विधानसभा चुनाव व एमएलसी चुनाव में जमा शस्त्रों को अमुक्त करने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शस्त्र को जमा कराने के लिए निर्देश जारी किया गया था, जिसको देखते हुए मतगणना समाप्त होने की घोषणा के बाद निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन प्रभावी आदर्श आचार संहिता प्रदेश के जनपदों में तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई, जिसको देखते हुए गोरखपुर जिले में निर्गत शस्त्र लाइसेंसियों द्वारा जो अपना शस्त्र विभिन्न थानों व शस्त्र विक्रेताओं के वहां जमा करवाया गया था, उन सभी शस्त्रों को थानाध्यक्षों एवं शस्त्र विक्रेताओं के वहां से शस्त्र को अवमुक्त कराने अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आचार संहिता विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के दृष्टिगत और उसके पास विधान परिषद के चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता में सभी शस्त्रों को जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद शस्त्रों को वापस दे लेने के लिए थानाध्यक्षों को संबंधित को निर्देशित किया गया, उसका अनुश्रवण किया जा रहा है, पारदर्शितापूर्वक पूरी व्यवस्था की जाएगी।